गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा, उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसको जिसकी मौत हुए एक साल एक महीना हो चुका था, 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।